यूपी के प्रयागराज जिले में 15 अप्रैल देर रात पुलिस अधिरक्षा में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की 3 बदमाशों ने गोली मार कर हत्या कर दी थी। उत्तर प्रदेश में उमेश पाल की हत्या के बाद आरोपी माफिया अतीक अहमद के बेटे व शूटर का पुलिस एनकाउंटर हुआ। फिर माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ को 3 युवकों ने गोली मार दी। उसके बाद से उत्तराखंड पुलिस भी सतर्कता बनाए हुए है। माफिया अतीक की पत्नी साइस्ता परवीन व शूटर गुड्डू मुस्लिम कई दिनों से प्रयागराज से फरार बताए जा रहे हैं। तो वहीं जनपद पौड़ी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे ने यूपी में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या होने के बाद पौड़ी जिले में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रखने के निर्देश जनपद के समस्त थाना प्रभारियों को दिए। SSP पौड़ी ने जिले के बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के निर्देश भी पुलिस टीम को दिए हैं, जिससे उक्त घटना के बाद संदिग्ध व्यक्तियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। तो वहीं जनपद में थाना प्रभारियों को थाना क्षेत्रों में गहन चेकिंग बढ़ाने के निर्देश भी SSP ने दिए हैं।